शुरू करते दोस्तों आज की खतरनाक न्यूज सीरीज। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की न्यूज कुछ ऐसी ही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बहुत बड़ा टेंडर कैंसिल कर दिया है ड्रोन खरीदने का, क्योंकि भारतीय कंपनी चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज करते हुए पकड़ी गई। यूएई ने तो अब फ्रांस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। ये 80 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदने जा रहे थे, और रीजन जानकर तो आप शॉक रह जाओगे। टेलीग्राम के सीईओ पवेल दुराव जी के अरेस्ट के बाद यूएई ने इसको कैंसिल कर दिया। आखिर क्या स्पेशल बात है, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स जैगुआर फाइटर जेट में एक काफी इजराइल का खतरनाक रैमपेज मिसाइल यूज करते हुए हाल ही में देखी गई, और इसकी काफी खूबियां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की एक और कंपनी अब अपने ऑटोनोमस ट्रक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ऑटोनोमस सबमरीन सुनी है? तो भारतीय कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ ऐसी ही नई ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को तैयार कर दिया है। भारत की पहली वंदे मेट्रो अब बस केवल 15 दिनों में डिस्पैच होने वाली है, और जल्द ही इसकी टेस्टिंग के बाद दिसंबर में लॉन्च कर दी जाएगी। जर्मनी ने भारत को सबमरीन के मामले में एक बहुत ही स्टेल्थी और काफी खास हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी दे दी है। तो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार आज की ये सीरीज होगी, काफी क्विक होगी, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। और साथ में आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर, ऐसी ही न्यूज आप पसंद करते हैं, हर रोज हम ऐसी न्यूज आप तक लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी न्यूज का मजा हर रोज मिल पाए। शुरू करते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ रही है। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ड्रोन खरीदने वाली थी एक भारतीय कंपनी से। ये 10-20 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 200 ड्रोन्स का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फाइनली इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इनका कहना है कि ये एक भारतीय कंपनी चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज कर रही थी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्क्रूटनी के बाद 200 लॉजिस्टिक ड्रोन का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया था दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और लेटर शामिल किया जिसमें इन्होंने तीन भारतीय कंपनीज को गिना दिया कि ये चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज कर रही थी। इसमें तो सबसे पहले आ गई ये चेन्नई बेस्ड कंपनी, फिर आती है गांधीनगर की स्काई इंडस्ट्रीज, और काफी शॉकिंग कर देने वाली बात यह है कि गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का भी इसमें नाम है। हालांकि अब सबसे शॉकिंग बात यह भी है कि दक्षा अनमैन्ड सिस्टम, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस क्लेम को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि हम कोई भी चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज नहीं करते, और खास करके डिफेंस वाले ड्रोन्स में हम पूरी तरह से अपना ऑडिट करते हैं, हमारा क्वालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी सारा कुछ मेजर्स लेते हैं, और आपका ये जो आरोप है सरासर पूरी तरह से गलत है। हमने आपको सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं फॉर क्वालिटी एंड ऑडिट पर्पस, और लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही अब यहाँ पर शायद गलती हो सकती है इनकी। हमारी अगली सबसे बड़ी शॉकिंग खतरनाक खबर आ रही है यूएई की तरफ से। दरअसल फ्रांस के साथ इन्होंने 2021 में एक बड़ा टेंडर साइन किया था 80 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए, और यूएई का ये बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था $20 बिलियन का। लेकिन जैसे ही टेलीग्राम के सीईओ पवेल दुरोई जी अरेस्ट होते हैं फ्रांस अथॉरिटीज द्वारा, तुरंत यूएई ने इस पूरे भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट को लगभग यूं ही कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि अजरबैजान से जब ये पेरिस एयरपोर्ट पर पहुंचे तब इनको फ्रेंच अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया। चार्जेस लगाए गए फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। हालांकि इन सारे एलिगेशन को पवेल दुरोई जी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, और आपको बता दें कि ये यूएई के सिटीजन भी हैं। दुरोई जी के रिलेशनशिप यूएई के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और यूएई ने भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है फ्रांस को कि ये पूरी तरह से रिलेशनशिप का वायोलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स का वायोलेशन। सो एक स्ट्रांग मैसेज अब भेज दिया गया है फ्रांस को, $20 बिलियन का झटका दिया। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। दरअसल भारत का एक काफी पुराना फाइटर जेट जैगुआर फाइटर जेट में हाल ही में इजरायली मेड रैमपेज मिसाइल देखने को मिली। आपको बता दें कि ये रैमपेज ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, हाई स्पीड लो ड्रैग वाला MK2 वर्जन ये देखा गया, जो कि सक्सेसफुली हमने Sukhoi-30 MKI और MiG-29K एयरक्राफ्ट में यूज किया है। इस रैमपेज मिसाइल को सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लोकली भारत में बन रही है ये मिसाइल अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विद इजरायली फर्म। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह हवा से ही जमीन पर 200 किलोमीटर दूर टारगेट को मार गिरा सकती है। प्रिसीजन और इफेक्टिवनेस ये दो इसके और भी ज्यादा बड़े स्ट्रेंथ है, और जिसके चलते भारत आज के समय में रैमपेज मिसाइल का मास प्रोडक्शन शुरू कर चुका है।
अनमैंड टैंक, अनमैंड व्हीकल तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने हाल ही में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मार्वल पेश कर दिया है पूरे दुनिया के सामने। इसका नाम है ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल, जिसको ECAUV भी कहा जाता है। 500 इसका नाम दिया गया है। दावा है कि इसको स्पेसिफिकली टारगेट किया है हमने मिलिट्री, साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए ही, लेकिन इसमें कुछ कुछ फीचर ऐसे हैं जिसने तो पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। सबसे पहले इसका नेविगेशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, डेप्थ रेटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। वैसे तो 600 मीटर के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसके आने वाले वर्जन्स 1 किलोमीटर तक पानी के अंदर जा सकते हैं पूरी तरह से सेफली। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी है, काफ़ी छोटा साइज होने की वजह से दुश्मन के रडार जल्दी इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, और इसे पावर मिलती है लिथियम आयन बैटरी की तरफ से। पढ़ते हैं आगे। तो वंदे स्लीपर ट्रेन से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जिस ट्रेन का सबको बेसब्री से इंतजार था, बस अब उसका इंतजार केवल 20 दिनों के बाद खत्म होने जा रहा है। BEML की फैक्ट्री से पहली बार भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर वर्जन को निकाला जाएगा। इंटेंस टेस्टिंग फिर इसकी शुरू हो जाएगी और इसी साल दिसंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। आपको बता दें कि एक ट्रेन में 16 कोच लगाए गए हैं, 823 बर्थ्स है, जिसमें 11 3 AC कोचेस, 4 कोच होंगे AC 2 टीयर के, और फर्स्ट क्लास AC के होगा बस एक ही कोच जिसमें 24 बर्थें होंगी। इंटीरियर्स की बात करें तो काफी एनहांस्ड फ्यूचरिस्टिक लुकिंग लाइटिंग सिस्टम्स, स्पेशियस टॉयलेट्स, स्नैक टेबल्स, चार्जिंग आउटलेट्स, रीडिंग लाइट्स, मैगजीन होल्डर्स जैसे तमाम सारे फीचर्स हैं। साथ में सेफ्टी तो टॉप नॉच है, कवच पोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम तो एक स्टैंडर्ड ही है, हर एक ट्रेन में फिट किया ही जाएगा कंपलसरी। स्टेनलेस स्टील बॉडी है और पूरी तरह से फायर रेजिस्टेंस डिजाइन भी है। यहाँ पर फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सारा कुछ फॉलो किया गया है। ऑटोमेटिक डोर्स भी इसमें आ जाता है फॉर एनहेंस्ड कन्वीनियंस। सो बस इंतजार खत्म होने वाला आप सभी का, और इसी साल लॉन्च हो जाएगी भारत की पहली वंदे स्लीपर। पहले हमारी आखिरी खबर आ रही है जर्मनी की तरफ से। दरअसल इंडियन नेवी काफी एडवांस्ड T214 सबमरीन्स का यूज कर रही है, लेकिन अब जर्मनी ऑफर कर रहा है भारत को नेक्स्ट जनरेशन AIP सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि ये डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती है, और हाइड्रोजन टैंक की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सीधा जब भी जरूरत है हाइड्रोजन बनाकर दे देगी इस सबमरीन के लिए। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बताया जाता है कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है जो हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू हाइड्रोजन गैस, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये सबमरीन काम करती है। इसके तो दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो हमको ऑन बोर्ड हाइड्रोजन मिल रहा है, तो अब स्टोरेज टैंक्स की जरूरत ही नहीं, और पोटेंशियल यही सबसे बड़े हजार्डियस टैंक है। अगर दुश्मनों ने टैंक्स पर हमला कर दिया तो ये सीधा ब्लास्ट ही कर जाएंगे। दूसरा है सबमरीन की एंड्यूरेंस, ज्यादा टाइम तक ये पानी के अंदर रह सकती है, जिससे ये पूरी तरह से स्टेल्थी बन जाती है। बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस हम इससे कंडक्ट कर सकते हैं रिमोट से लेके कहीं पर भी, और सबसे बड़ा बेनिफिट एनवायरमेंट को भी इससे मिल रहा है। सो ये थी हमारी आज की कमाल की इनोवेशंस और अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको ये आज की सीरीज पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए ऐसे ही हमारे छोटे से काम और ऐसे ही कमाल के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए।